भारतीय तट रक्षक द्वारा गुजरात ना केवड़िया खाते वार्षिक मेरीटाइम सर्च अने रेस्क्यू बैठक ने श्रेणी ना भाग रूपे 20मी राष्ट्रीय मेरीटाइम सर्च अने रेस्क्यू बोर्ड बैठक नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सर्वोच्च स्तरनी आ बैठक भारतीय तट रक्षक दलना महानिर्देशक अने राष्ट्रीय मेरीटाइम सर्च अने रेस्क्यू बोर्ड ना चेरमेन डिरेक्टर जनरल वी एस पठानिया पीटीएम टीएम नी अध्यक्षता में योजाई हती। एनएमएस एआर बोर्ड में विविध केंद्रीय मंत्रालय एजेंसीओ सशस्त्र दलों सभ्य दरिया कांठो धरावता तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों कुल 31 वड़ाओ जोड़ाया था। 4.6 मिलियन चौरस किलोमीटर विशाल भारतीय सर्च और रेस्क्यू प्रदेश में दरिया खेड़ो मछीमारों माटे राष्ट्रीय मेरीटाइम सर्च और रेस्क्यू प्लान तेमज सेवाओं पूरी पाड़वा माटे दर वर्षे भेगा मळीने नीतिगत मुद्दाओं की चर्चा विचारणा करवामां आवी हती। आ उपरांत मार्गदर्शिकाओं प्रक्रियाओं घड़वामां आवी छे जे तेनी कार्यदक्षता आकलन करे छे। आ बैठक दरमियान भारतीय राष्ट्रीय समुद्री माहिती सेवा केंद्र ने भारतीय हवाई मथक सत्ता मंडल द्वारा संयुक्त रीते तैयार करवामां आवेला सर्च एंड रेस्क्यू सहाय टूल इंटीग्रेट संस्करण 1.0 नु पण लॉन्चिंग करवामां आव्यु हतुं। आ सॉफ्टवेर ने दरिया में एरोनॉटिकल आकस्मिक दरमियान लाइन डेपम प्रोबेबिलिटी अल्गोरिदम ने प्राप्त करती वक्त मोटा भागना संभवित विस्तार निरूपण ने एकीकृत करवा माटे डिजाइन करवामां आव्यु छे। आ बैठक में दरियाई सुरक्षा ने लगता विविध मुद्दा पर चर्चा करवाने नीति माळखा तेमज जागृति कार्यक्रमों द्वारा एसएआर सेवाओं सुधारणा क्षेत्र ने ओळखवा उपरांत आईसीजी आईएसआरओ महाराष्ट्र राज्य मत्स्य उद्योग अने कर्नाटक राज्य मत्स्य उद्योग विषय निष्णातो द्वारा टेक्निकल प्रेजेंटेशन रजू करवामां आव्या हता। અને ત્યારબાદ ચિંતન સત્રો અને હિતધારકો તરફથી એજન્ડા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા સત્રો યોજવામાં આવ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં પુરસ્કાર સમારંભ દરમિયાન અધ્યક્ષ દ્વારા વર્ષ 2021-22 માટે 4 શ્રેણી હેઠળ SAR પુરસ્કારો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વેપારી જહાજ માછીમારો માટે સરકારી માલિકીની એકમ અને સમુદ્ર કાંઠાના એકમ માટે SAR પુરસ્કારનો સમાવેશ થાય છે। વેપારી જહાજ માટેનો SAR પુરસ્કાર ભારતીય ફ્લેગ કરેલા જહાજ એમવી સેન્ટિયાગો અને પનામાના ફ્લેગ કરેલા જહાજ એમવી એલાયન્સને માછીમારો માટેનો SAR પુરસ્કાર પશ્ચિમ બંગાળની નોંધાયેલી માછીમારી બોટ કૃષ્ણા નારાયણના માસ્ટર રામદાસને ઉપરાંત સરકારી માલિકીને એકમ માટેનો SAR પુરસ્કાર એસીજી જહાજ અનમોલ અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ લક્ષદ્વીપ વહીવટી તંત્રના MFV બ્લૂ ફિનને સંયુક્ત રીતે એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો। જ્યારે સમુદ્ર કાંઠાના એકમ માટે SAR પુરસ્કાર ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડને તેમના પેટા યુનિટ VTS ખંભાતી વતી તાત્કાલિક બચાવ સંકલન પ્રયાસો હાથ ધરવા બદલ આપવામાં આવ્યો હતો। લાઈફ સેવિંગ ઇક્વિપમેન્ટ જો આજ શિપ્સ મેં યા બોટ્સ મેં હોના ચાહીએ, આજ કી તારીખ મેં ફિશરમેન કી સેફ્ટી એક બહોત બડા એજન્ડા રહા ઓર ઉસમેં યે ઇન્શ્યોર કિયા ગયા કે ઉનકે સાથ હમ કમ્યુનિટી जो होती है फिशिंग कम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको एजुकेट करना है। सारे जो बोट्स होते हैं वो लाइफ जैकेट्स लेके नहीं जाते, तो किस तरह से हम उनको इनक्रेज कर सकते हैं कि लाइफ जैकेट लेके, जब तक ये फिशरीज़ एक्ट आएगा वो बात की बात है, उनकी लाइफ आज भी हमारे लिए कीमती है, तो उनको इनक्रेज करना है लाइफ जैकेट लेके जाओ, लाइफ बॉयज़ लेके जाओ, उस बोट को अच्छी कंडीशन में हो तभी बाहर जाओ। और जब कोस्ट गार्ड या अदर एजेंसीज आपको आने वाले तूफान की वार्निंग देती है तो कंप्लाई करके वापस आ जाओ, ये मेन मीटिंग। सर, खासकर ये गुजरात में हुई पहली बार ये मीटिंग, गुजरात में पहली बार नहीं हुई है, आज से 4-5 साल पहले हुई थी गुजरात में, तो ये हम डिफरेंट स्टेट्स में करते हैं ताकि वहाँ के जो लोकल मेंबर्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, अदरवाइज आउट स्टेशन जाने में तो जो की मेंबर्स वो आते हैं और लोकल जो पॉपुलेशन होती है उसको भी इसके बारे में पता रहता है। जिसमें फिशरीज और डीजी शिपिंग, फिर आपके मैरिटाइम बोर्ड्स के मेंबर, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो और डीजी कोस्ट गार्ड इसका चेयरमैन होता है, और इसमें यहाँ के स्टेट CISF एंड क्या बोलते हैं उसको आप, जो भी आदमी मरीन डिपार्टमेंट के साथ काम करता है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें इसरो वाले NMCC बैंगलोर से भी लोग आए थे, इसरो अहमदाबाद के भी लोग थे।
संजीव राजपूत साथ हनीफ शेख नो रिपोर्ट अहमदाबाद।